कंडीशन थी देखिए, ये पूरी ये वाला हिस्सा पूरा जो हेडलाइट वाला हिस्सा है पूरा घुस गया अंदर, और जो ये बोनट है ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। इस साइड से ना गाड़ी पूरी डैमेज हुई है, इधर वाला है पूरा पूरा ही पिटक गया, दरवाज़ा निकल रहा है। तो देखो जो गाड़ी है टकाई ना, तो ये पूरा देखो जो टका के गोबर उसके पेट से निकला हुआ है, तो सब ये ऐसे पूरी गाड़ी में लगा हुआ है। इस साइड से मतलब पूरी हो गई, इस साइड से भी और बड़ी खतरनाक लगती है, ये पूरा ही उड़ गया। इस साइड थोड़ा बची हुई है गाड़ी, तो ये सब कुछ चेंज होगा। अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे अंजनी मोटर्स ऊंचा पुल में, यहाँ पर थोड़ा बॉडी शॉप का ही काम होता है, तो मेरे इंश्योरेंस का क्लेम यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर पूरा शीशा भी टूट गया, देखो यहाँ पर इसका पाँव टकराया हुआ ना, ये इस वाले कोने से पूरा ऐसे काम हुआ है। हाँ, तो अब नया ब्लॉग बनना पांडे जी की गाड़ी में, देखो कैसे कंजेस्ट होकर जाना पड़ रहा है। ये दो आदमी को जाना था सब्जी लेके मतलब गाड़ी में, अभी क्या है कि उस आदमी जो देखो मेरा भाई, ये मेरा बड़ा भाई पहली बार मेरे ब्लॉग में आया, मेरी बुआ पहली बार ब्लॉग में आई है, नीतू और निहारिका तो आते थे। पांडे जी मेरे ब्लॉग में पहली बार आके दीवान आ रहा है, पहली बार है पांडे जी तो बहुत बार आए हुए हैं, तो दीवान पहली बार है, इतने लोग पहली बार आ रहे हैं। तो सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। अभी तक की आपने कहीं देखी जो कल से घटा था, उसी वही कल का घटने वाला रिकैप था। और अब क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं, वो गाड़ी मैंने दे दी यहाँ पे, मुझे मोस्टली मतलब 5-6 दिन में बन के मिल जाएगी, ऐसा वो कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट की बात बाद में देखी जाएगी कि बनती है कि नहीं बनती है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी टू द्वाराहाट, ये हमारा द्वाराहाट विलेज है, तो उधर हम जा रहे हैं। तो डिस्टेंस करीब है 120-130 किलोमीटर, लेकिन आजकल थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है ना, तो नैनीताल की वजह से जाम बहुत लगा है रोड पे, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो इस रास्ते में बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं घूमने वाले, वो मैं आपको सारे आज दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप आते हो इस रास्ते पर। पूरा मतलब दिन भर में आप अगर 12 घंटे में इस रास्ते में कवर करोगे, तो आप 12 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मतलब बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशन आप घूमते हुए निकल सकते हो। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो ब्लॉग पूरा देखना। हम लोग हल्द्वानी क्रॉस करके पहुँचते हैं काठगोदाम, तो वहाँ से स्टार्ट होता है ये हिल, सामने पहाड़ देख के ना बहुत दिन बाद मतलब सुखद अनुभूति हो रही है। तो हमने कितने पहाड़ ही नहीं देखे, ज़्यादा बिल्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं पहाड़। ये है यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जहाँ आप बाई ट्रेन आ सकते हैं और यहाँ से आप घूम सकते हैं नैनीताल, भीमताल, नक्शताल, सात ताल, अल्मोड़ा, रानीखेत सब। तो ये लास्ट मतलब यहाँ पर 2-3 ट्रेनें आती हैं, लखनऊ से ट्रेन आती है, दिल्ली से ट्रेन आती है, देहरादून से ट्रेन आती है, मतलब वो ट्रेन है और दूर से भी वो कलकत्ता से मतलब डायरेक्ट ट्रेन आती है, और अजमेर शरीफ से डायरेक्ट ट्रेन मतलब ट्रेन आती है, ऐसे मतलब यहाँ बहुत जगह से ट्रेन आती है। तो आप जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर से भी ट्रेन आती है, आप कहीं से भी बाय ट्रेन आ सकते हैं यहाँ काठगोदाम में, जिसे बोलते हैं कुमाऊँ का द्वार। तो अगर आप जा रहे हैं भीमताल या नैनीताल की ओर को, तो आपको करना पड़ेगा जाम का पूरा सामना, क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं 2 पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसके से जाम लगेगा और उस जाम में फंसोगे। तो सुबह सुबह जल्दी से जल्दी निकलना है अगर जाम को एवॉड करना है। हम लोग को तो गाड़ी शोरूम में देनी थी, इसलिए हम लोग को हो गया लेट, इस वजह से हम जाम में फंसे ना, हम जाम में नहीं फंसते अगर हमें ये दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे बन रहा है पुल, तो इस पुल बनने की वजह से ये सामने वाला, एक बार वाला पुल पूरा गिरने वाला था, तो नया पुल बनना स्टार्ट हुआ है। सामने लैंड स्लाइड बहुत तगड़ा है, तो इसकी वजह से जाम लगा, तो एक बार में एक साइड को जाने दे रहे, तो हम लोग करीब आधे घंटे खड़े थे, आधे घंटे तक इधर वाली गाड़ियाँ उधर जा रही थी, अब इधर वाली गाड़ियाँ उधर पे जा रही है। चाय मना करनी है, तो पहले इन दोनों ने चाय ऑर्डर की, अब दोनों मना कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने की थी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर। ये है भैया और यह बुआ, तो हम लोग, हाँ हाँ बुआ लाल बता सराबा करके वो करिए चैस मार दी, देखो ये चैस, हाँ। तो हम लोग ना जब आते हैं यहाँ से, तो हम लोग घूम सकते हैं भीमताल। देखिए अभी क्या है कि भीमताल में भीड़ बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पूरा पूरा भीमताल पैक है, देखिए बहुत खूबसूरत भीमताल ये। तो ये पूरा पूरा भीमताल है, बीच में है, बीच में एक आपके वो है एक्वेरियम है, वो फिश एक्वेरियम, तो वहाँ अलग अलग टाइप की भी आपको फिश देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा करीब आपके रोड के किनारे किनारे 1.5-2 किलोमीटर लंबा है, और इसी के ऊपर है नबीजाताल, और पैराग्लाइडिंग होती है वो ऊपर पांडे गांव में, तो आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाके आप नबीजाताल भी जा सकते हैं यहाँ से।
तो मैं आपको जो बोला था ना कि पैराग्लाइडिंग, तो सामने यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर ना पैराग्लाइडिंग है वो है सस्ती, यानी कि आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो 1200 रुपये मिल जाएगी। 1200 रुपये मतलब यानी कि आप 15 मिनट तक 20 मिनट तक हवा में रहेंगे और 1500 रुपये में होती है। और जो सबसे महंगी है वो है 3500 रुपये की, जिसमें आप करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक हवा में रहेंगे। तो यहाँ पर सेफ है आज तक, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट नहीं हुए हैं भीमताल वाली पैराग्लाइडिंग में, जैसे मनाली वगैरह में होते हैं। तो आप आके आराम से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं नगुचा ताल भीमताल वाली एरिया में। तो अभी हम पहुँचे हैं भवाली, जो है सेंटर द हार्ट ऑफ नैनीताल। तो आप यहाँ से जा सकते हैं मुक्तेश्वर, घोड़ाखाल मंदिर, सात ताल, भीमताल, नगुचा ताल, और आप जा सकते हैं रामगढ़, और साथ में नैनीताल भी आप यहाँ जा सकते हैं। साइड डिस्टेंट मतलब ये सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिल्कुल पास पास है। तो ये अभी यहाँ पे है कि यहाँ पे जाम बहुत लगाता है क्योंकि यहाँ की मार्केट थोड़ी कंजेस्टेड है। तो फिलहाल हम लोग अभी मतलब हम लोग को 2 घंटे हो गए हैं, जाम इतना ज़्यादा है हद से ज़्यादा। मतलब अभी अगर आप आ रहे हो क्योंकि तो वीकेंड है या संडे भी है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उसके जाम बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं कैची धाम, बाबा नीम करौली का जो मंदिर है, जिसे बोलते हैं लोग किस्मत बदलने वाला मंदिर। मतलब जिस मंदिर में आके मार्क जुकरबर्ग की किस्मत बदल गई और वो एप्पल वाला कौन था, स्टीव जॉब्स की अंदर किस्मत बदल गई। तो यहाँ मतलब बाबा नीम करौली को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो यहाँ पर इनका मंदिर है, आप इस रास्ते में मतलब काठोधाम से रानीखेत में आप बाबा नीम करौली के दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हो मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए। बिल्कुल केदारनाथ की तरह ही लाइन लगी हुई है, बिल्कुल एकदम से जैसे केदारनाथ में है वैसे ही यहाँ भी लगी है, जय बाबा नीम करौली। और आगे लाइन भी लगी है, जाम भी लगा रहा है पूरा दिन। So far is the echo, when do we start? You can learn to discover. तो आप देख रहे हैं रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार है, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है। कई दिनों बाद पहाड़ में मतलब कई 6 महीने बाद मैं वापस आया हूँ, तो 6 महीने बाद जो स्थिति है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी मतलब अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको 6 महीने बाद ट्रैवल करते हुए पहाड़ में। तो आप रास्ता देखिए अभी भी मतलब थोड़ा बहुत पुराने की तरह जैसा रास्ता टूटा हुआ था, अभी थोड़ा बहुत रिपेयर हो गया जब हम पिछली बार आए थे, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ा बहुत कंडीशन वैसी है। पत्थर देख रहे हैं ना, वो मेढक वाला पत्थर ऐसे करके दिखाते हैं लोग, एक पत्थर है वो बिल्कुल मेढक के आकार का है। उसी के साथ वो सामने कैंप साइट भी है, आप देख सकते हैं वो कैंप साइट है लगी हुई, फ्रॉग पॉइंट बोलते हैं इसको। ये है अभी हम लोग पहुँचे हैं खैरना गर्म पानी। गर्म पानी इसलिए नाम है क्योंकि वहाँ पर सर्दियों के टाइम पे जो धारा आता है उसमें पानी गर्म आता है, इसलिए उसका नाम है गर्म पानी। नहाने का तो बढ़िया होगा, नहाने का तो अच्छा है, नीचे लोग नहा भी रहे हैं। सिप्रा नीचे बह रही है, सिप्रा नदी है अभी यहीं पे खैरना पे, सिप्रा नदी और कोसी नदी दोनों का संगम हो जाएगा। तो सामने देखिए आप ब्रिज बड़ा प्यारा है, वो सामने वाला ब्रिज बहुत प्यारा है। So far is the echo, when do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. तो फिलहाल ये हम लोग ने मंगाए हैं भटके डुबके और चावल और रहता जो पहाड़ी खाना है। अभी नीतू ट्राई कर रही है, कैसा हो रहा है भटके डुबके? When do we start? You can learn to discover a million stars. हम लोग पहुंच चुके हैं रानीखेत। आज क्या है कि जर्नी मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, इतना तो लंबा सफ़र लग रहा है, ऐसा लगा कि 8 पौधे लगेंगे अभी 2-3 घंटे और। पांडे जी की जो स्पीड है बड़ी लचर है, हैं पांडे जी एवरेज निकालने चक्कर में ना गाड़ी चला रहे हैं 30 की स्पीड से। बीच मैंने एक टूर पांडे जी को दिया था, ऐसा कैसा ड्राइवर दिया रे तूने, तेरे से उससे आगे तो तागे वाला आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं,
बोला नहीं कहाँ चला रहा है, 20 की स्पीड में चला रहा है पिथौरागढ़ से रासला, पता नहीं घंटे लगा दिया था बोला। मैंने कहा अरे नहीं ऐसे नहीं जाते, पांडे जी ने इतनी तेज गाड़ी चलाई कि उनके आते बाहर निकलेंगे। बोले अरे तेरा ड्राइवर गाड़ी तेज बहुत तेज चला। तो मैंने कहा फिर जैसे चला रहे चलाए तो बोलो मत कुछ उसको। तो फिलहाल हम लोग पहुंचे रानीखेत, ये रानीखेत का पूरा है माल रोड, जैसे ठंडी सड़क ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब सुबह सुबह के टाइम पे टाइगर देखने को मिल जाता है इस रोड पे। ये है पूरी रानीखेत की मार्केट। तो यहाँ बहुत सारे होटल हैं, ये अलका होटल है, ये गांधी चौक है, यहाँ कटोली की मून होटल काफ़ी फेमस है, और साथ में यहाँ पर राजदीप होटल है, होटल टूरिस्ट है, होटल एवरेस्ट है, ऐसा करके पूरी मार्केट में होटल ही होटल है। तो यहाँ पर जो ये रमेश जनरल स्टोर देख रहे हो आप, रेडीमेड गारमेंट, यहाँ सबसे अच्छी स्वेटर मिलती है, अगर आपको खरीदने की तो आप यहाँ से स्वेटर खरीद सकते हैं, सबसे सस्ती और अच्छी और गर्म बिल्कुल। तो ये है पूरी रानीखेत की बाज़ार, जो मतलब माल रोड है यहाँ की समझ लो आप, एक रूप में शाम के टाइम में आप आराम से घूम सकते हो पूरी मार्केट की बाज़ार। तो मैं कई साल बाद रानीखेत की बाज़ार मतलब ऐसे आ रहा हूँ ना, हम लोग बाईपास जाते थे ऊपर से, अभी दिन का टाइम है ना, तो यहाँ पर पहले एक भगत वो होता था चाट भंडार, हम लोग चाट खाते थे, अपने ख्याल से यहाँ पर कुछ और चीज़ खुल गई है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भगत मिष्ठान भंडार था, अभी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, भगत मिष्ठान भंडार यहाँ पर था पहले, अभी वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में स्टूडेंट बुक डिपो, हम लोग यहाँ से किताब खरीदते थे, देखिए यहाँ अभी भी किताब पूरी अभी भी मिल रही है। तो मतलब ये ऐसी कुछ मार्केट है रानीखेत की, तो रानीखेत आके आप घूम सकते हैं। साथ में घूमने के लिए यहाँ पे है खेड़ाकाल मंदिर, सोनी बिंसा टेम्पल, चौबटिया गार्डन, गोल्फ ग्राउंड, मछखाली, शीतला गेट भी बिल्कुल पास में है। साथ में आप शाम के टाइम पे यहाँ मतलब अगर आपको टाइम स्पेंड अगर सही करना है तो शीतला गेट सबसे अच्छा है, रानीखेत दिन में घूम के वापस शीतला गेट चले जाओ, क्योंकि बहुत शांति वाला इलाका है। यहाँ थोड़ा क्राउड है, लेकिन यहाँ में कुछ कुछ होटल ऐसे हैं जो दूर दूर हैं मार्केट से बहुत दूर, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। जैसे होम फार्म हेरिटेज है, रोज माउंट है, वेस्ट व्यू है, मेघदूत है, जो ऊपर माल रोड में पड़ेंगे ऊपर कैंट एरिया में, तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्क भी है साथ साथ में, ये ऊपर यहाँ आपको पार्क दिखाई दे रहा है, बहु आसामी आसाना पार्क करके नाम है इसका, तो आप इस पार्क में भी लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ होटल यहाँ पर हैं, और यहाँ से सामने हिमालय का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई देता था, लेकिन आज कोहरा बहुत है तो हिमालय बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जहाँ पर मतलब ना लोग वो होते हैं फेमस, और ये देखिए ये लिखा है माई कंट्री माई फ्लैग, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है माई कंट्री माई फ्लैग। तो ये सोमनाथ ग्राउंड है पूरा, तो यहाँ पे होती है पूरी आर्मी की भर्ती की प्रोसेस। लोग पहुँच गए हैं मंदिरों के शहर द्वाराहाट में, देखिए आप यहाँ पे पुराने वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने यहाँ के सारे मंदिर आपको दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर है टोटल 352 मंदिर और 352 उसके नॉलेज। तो हमारी आज की यात्रा यहीं पर मतलब पूरी हो जाएगी, अभी हम लोग को गाँव जाना है, अभी सामान बहुत सारा है, सामान कैसे लेके आते हैं वो भी देखना है, क्योंकि सामान ले आने के लिए तो उनको मिलेगा नहीं कोई भी, तो सामान उनको बहुत सारा जाना है। अभी हम लोग गांव पहुँचेंगे, गांव का रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं द्वाराहाट। इतने सालों बाद पहाड़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, 5 साल बाद पहाड़ आया है, 5 साल बाद। तो हम कल पहुंच गए थे बिल्कुल पहाड़ पे। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। जो मेन पर्पस था सब लोग का आने का वो था हमारे घर में है पूजा, तो पूजा है तो उसमें पूरा गाँव भी खाएगा खाना। तो हमारे कल सब्जी लेके आए थे जो हल्द्वानी से पूरी खरीद के, आज वो सारी सब्जी बनेगी। वो सब्जी लाते लाते हालत ख़राब हो गई थी, तो लास्ट में ब्लॉग ही नहीं आ पाया मतलब पहाड़ घर आने का। तो ये स्थिति थी, अभी मैं सुबह आया था, सुबह गया था मार्केट, मार्केट से लेके आया 10 किलो दूध, 2 किलो दही, कुछ टमाटर, ऐसे करके बहुत सारा सामान जो सुबह सुबह आता है वो सामान लेके आया। तब तक मेरे आए तक सब्ज़ी सारी कट चुकी थी, क्योंकि गांव वाले क्या कहते हैं, सब लोग अपने घर से एक एक चाकू लेके आते हैं और जितनी सब्जी होती है सब काट के चलाते हैं।